यदि जीवन में कुछ पाना है तरीके बदलो इरादे नहीं। सफल आदमी कोई अलग काम नहीं करते, बस काम को अलग तरीके से करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, जी हां, आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो मेरे पास जानकारी है वो बहुत से स्टूडेंट्स की लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स की लाइफ इससे चेंज हो सकती है। इसके अलावा बहुत से परिवार, बहुत से स्टूडेंट्स के माता पिता ने जो उम्मीद अपने बच्चों से लगा रखी थी वो उम्मीद अभी टूटी नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो क्या है वो इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन है आप लोगों के एज से रिलेटेड, एज से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं एसएससी जीडी 2021 से रिलेटेड। स्टार्टिंग से ही आप लोग को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बिल्कुल कंफर्म जानकारी ही मैं आप लोग को देता हूं, बिल्कुल कंफर्म और रियल इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। इन सभी इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन आप लोग की एज से रिलेटेड है, जिसकी जानकारी मैंने आप लोग को स्टार्टिंग से ही दी हुई है और वीडियोस भी बनाए हुए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, आप लोग की जो एज काउंट होने वाली है वो 1 अगस्त 2021 से। जी हाँ, मैंने कभी इसमें चेंजेस नहीं किया, क्योंकि ये चेंज होने वाली चीज नहीं है। वैकेंसियां ऊपर नीचे हो रही हैं, डेट चेंज हो रहे हैं, क्योंकि कंट्री में प्रॉब्लम चल रही है और जब तक प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी चेंजेस होते रहेंगे। लेकिन जो एज आप लोग की काउंट होने वाली थी वो 1 अगस्त 2021 से ही काउंट होनी थी, और मैंने अभी तक आप लोग को यही इंफॉर्मेशन दी है। जिस भी स्टूडेंट ने मुझसे इसकी जानकारी मांगी, 1 अगस्त 2021 मैंने सभी को ये जानकारी दी है। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट परेशान रहते थे कि सर एज में रिलीफ मिलना चाहिए, हमारा इतना समय बर्बाद हुआ है, कुछ कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाइए, कुछ कीजिए ऐसा कि हमारे एज में जो हमारी एज निकल रही है हमें बेनिफिट मिले। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ, कुछ तो स्टूडेंट 1-1, 2-2 दिन से भी जो है एसएससी जीडी में अप्लाई करने से चूक सकते थे, क्योंकि डेट आप लोग की कंफर्म थी जो मैंने आप लोग को बताई है, 1 अगस्त 2021 ही आप लोग की एज काउंट होने वाली थी। काफी स्टूडेंट स्टार्टिंग में मैसेज करते रहे, लेकिन मैं सभी को यही जवाब देता रहा 1 अगस्त 2021, 1 अगस्त 2021, क्योंकि आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई बिल्कुल तय समय पे होने वाले थे। यहां तक कि जो आप लोग की मई स्टार्टिंग में ऑनलाइन अप्लाई होने वाले थे, इस समय तक भी आप लोग की एज में कोई चेंजेस नहीं थी, सारे की सारी चीजें वही थी। लेकिन जिस तरीके से अभी जो है आप लोग की डेट को बढ़ाया गया है, ऑनलाइन अप्लाई की डेट को आप लोग को पता होना चाहिए। यदि आप लोग ने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, 1 जुलाई 2021 से एसएससी जीडी की जो है आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं, यही इंफॉर्मेशन मेरे पास है 1 जुलाई 2021। और इसके अलावा लास्ट डेट की जानकारी आप लोग की जो है 16 अगस्त 2021, मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी, वैकेंसी की जानकारी मिल जाएगी। तो बहुत से स्टूडेंट परेशान होते कि सर क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो मैंने आप लोग के लिए काफी प्रयास किया। जी हाँ, जो चीज क्लियर है वो मैं आप लोग को बता दूं, मैंने आप लोग के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट को मेल करना हो या फिर किसी प्रकार का लेटर हो, चाहे वो ऑफलाइन लेटर ही सेंड किया गया, जी हाँ, चाहे वो ट्वीट किया गया, कुछ भी किया गया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट इस काम में लगे हुए हैं, चाहे वो मेल कर रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, सब भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस काम में लगे हुए हैं, जिनको की एज में रिलीफ चाहिए।
आने वाले मींस जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मैंने आप लोग के इस कमेंट का जवाब देना बंद कर दिया कि आप लोग की एज क्या रहने वाली है, क्योंकि जब भी आप लोग इस प्रकार से अपनी डेट बताते थे, एज बताते थे, मुझे बहुत दुख होता था कि आप लोग की एक दिन से, एक मंथ से, एक वीक से आप लोग SSC GD में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आप लोग के लिए पूरी कोशिश करी जितनी मैं अपनी तरफ से कर सकता था, इसके बारे में मैं कोई डिटेल नहीं देना चाहता और आप लोग भी अपनी तरफ से प्रयासरत होंगे, बाकी बहुत से लोग भी इन सब कामों में लगे होंगे। तो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है? जी हाँ, रिजल्ट निकल के आ रहा है। आप लोग की जो है एज यहाँ पे बढ़ा दी गई है, बिल्कुल कंफर्म न्यूज दे रहा हूं जो जानकारी मेरे पास है। आप लोग की एज बढ़ा दी गई है। एज आप लोग की कितनी बढ़ाई गई है? बहुत ज्यादा हैप्पी हूं, इतनी खुशी हो रही है मेरे को, मैं क्या बताऊं, बस अभी डांस करने का मन कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मुझे डांस करना ही नहीं आता। तो यदि आप लोगों में से किसी को डांस करना आता है तो मुझे जरूर बताइए और मुझे भी थोड़ा बहुत सिखाइए, ताकि कभी ना कभी इन सब चीजों की जरूरत पड़ जाती है। तो अब बात आती है मुद्दे की, कितनी एज बढ़ाई गई है? एक साल आप लोग की एज बढ़ा दी गई है। कंफर्म जानकारी दे रहा हूं, कोई इधर नहीं कोई उधर नहीं, एक ईयर की एज आप लोग की बढ़ा दी गई है। ऐसा नहीं कि बढ़ाई जा सकती है, एक ईयर की एज आप लोग की बढ़ा दी गई है। जी हाँ, कंफर्म जानकारी, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं ये नहीं कहता आप लोग मेरे पे बिलीव कीजिए, लेकिन आने वाले समय में आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोग की एज। यदि आप लोग हैं जनरल कैंडिडेट तो 18 से 24 साल आप लोग की एज कर दी गई है। यदि आप लोग की एज में कुछ भी कमी हो रही थी तो अब आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और मैं मीन्स तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे CISF, CRPF, SSB, SSC, सभी डिपार्टमेंट्स का मैं बहुत बहुत तहे दिल से, मतलब उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, मींस कितने स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज हो जाएगी आपके इस कदम से, कितने बच्चे जॉब ले सकते हैं जिनकी एज ओवर हो रही थी, कितने माता पिताओं का सपना जो है यहाँ पे साकार हो सकता है। तो आप लोग भी प्रिपरेशन में कीजिए, यदि एज में किसी प्रकार की आप लोग की प्रॉब्लम आ रही थी तो तैयारी में लग जाइए, आने वाले नोटिफिकेशन में आप लोग को डिटेल मिलेगी। तो एज आप लोग की किस तरीके से शो की जाएगी, देखिए इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो यही है कि जनरल कैंडिडेट की एज 18 से 24 कर दी गई है। OBC वालों को इसमें 3 साल का बेनिफिट, SC ST वालों को 5 साल का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप लोग की जो 18 से 24 साल जो एज की गई है वो आप लोग की एज नोटिफिकेशन में टिकटॉक आनी चाहिए, यानी कि 18 से 24 साल। या फिर डिपार्टमेंट इस तरीके से भी कर सकता है कि आप लोग की एज जो है वो 2020 से काउंट हो, 1 अगस्त 2020 या फिर किसी और डेट से 2020 से ही आप लोग की एज काउंट की जाए, तो इसके चांसेस कम हैं क्योंकि इससे जो है स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी नहीं लग पाएगी। तो जहां तक मुझे लगता है आप लोग की एज 18 से 24 साल रखी जाएगी, एज काउंट आप लोग की 1 अगस्त 2021 से की जाएगी, जैसा मुझे मेरे पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन SSC इसमें चेंजेस कर सकता है, आप लोग की एज को जो है 2020 से भी काउंट की जा सकती है, बाकी कुछ भी हो, लेकिन आप लोग को 1 साल का बेनिफिट यहां पे मिल गया है। यदि आप लोग को भी प्रॉब्लम हो रही थी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज वालों ने आप लोग को जानकारी दे दी है, कंफर्म जानकारी दे दी है, बिल्कुल रियल इंफॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं। जो जानकारी मेरे पास होती है वो मेरी तरफ से बिल्कुल कंफर्म होती है, टेंशन फ्री रहिए, आने वाले समय में आप लोग को जो है इसकी डिटेल मिलेगी। तो बहुत ज्यादा खुश हूं मैं आज, तो मींस पार्टी पार्टी होनी चाहिए, लेकिन पार्टी मैं आप लोगों से अभी नहीं लूंगा, पार्टी मैं आप लोगों से लूंगा जब आप लोग सेलेक्शन ले लेंगे SSC GD के थ्रू। आप लोग किसी डिपार्टमेंट में CISF, CRPF, SSB, किसी भी डिपार्टमेंट में जिस दिन आप लोग का सिलेक्शन होगा उस दिन मैं आप लोगों से पार्टी लूंगा, बिल्कुल कंफर्म पार्टी लूंगा।
तो वेट कीजिए नोटिफिकेशन का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आप लोग को प्रोवाइड करा दिए। एक साल का आप लोग को बेनिफिट मिल चुका है। एक साल का पूरा बेनिफिट आप लोग को मिला है। जो ये प्रॉब्लम चल रही है इनकी वजह से, तो डिपार्टमेंट्स का आप लोग शुक्रिया अदा कीजिएगा जैसे ही आप लोग को इसकी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में प्राप्त हो। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले यही कहूंगा, यदि चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।